यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और कौन सा करना है? फाइव सिक्स में से सिक्स का क्या किया आपने, इसकी इंटीग्रेशन क्या की? लॉग ऑफ सेवन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई सेवन, बताया भी था शॉर्टकट, एक्स के कोफिशेंट से डिवाइड कर दो। सही। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लगा? पावर रूल लगाया, पावर रूल। ओके क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, साइन ऑफ टू एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स इज टू, इसमें क्या किया? साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है? डाउट है तो हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हमने करना है, नाइन हमने करना है, ठीक है, आपको पाँच मिनट वेट करना पड़ेगा। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू टी प्लस टू, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी? टी प्लस टू। तो एक बात बताओ मुझे, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है टी प्लस टू, और मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, एक्स निकालना है। एक बात बताओ कि हमने डिफ्रेंसिएशन में क्या किया था, कि अगर हमें एक्स गिवन है और हमें एक्स से क्या निकालनी है? वेलोसिटी, तो हम एक्स को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। और वी से अगर हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन, तो वी को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। अब उल्टा रूल है, ए से एक्स पे जाना है, तो ए से अगर वी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। और अगर v से x पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो x से v पे आना है तो डिफ्रेंशिएट, v से a पे जाना है तो डिफ्रेंशिएट, a से v पे जाना है तो इंटीग्रेट, v से x पे जाना है तो एक बार और इंटीग्रेट। यानी कि अगर x से a पे आना है तो दो बार डिफ्रेंशिएट, और अगर a से x पे जाना है तो दो बार इंटीग्रेट। करें स्टार्ट। तो एक्सेलरेशन से सबसे पहले क्या निकलेगी? वेलोसिटी। पहले ए से वी आएगा, वी के बाद एक्स आएगा। तो एक्सेलरेशन होती क्या है बताओ? डी वी बाय डी टी। एक्सेलरेशन क्या होती है? डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू कितना? टी प्लस टू। कोई डाउट इसमें? एक्सेलरेशन इज क्या? डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू टी प्लस टू, राइट? यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी प्लस टू इंटू कितना? डी टी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास क्या आ गया? डी वी इज इक्वल टू टी प्लस टू इंटू डी टी। कोई डाउट इसमें? अलाउड है इसमें, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जो कितनी देर में एक्वायर हुई इन स्मॉल टाइम, डी टी। पर हमने क्या निकाली है? वेलोसिटी वी। एक काम करते हैं, जैसे कोई भी अगर एक इक्वेशन गिवन है, कोई भी अगर एक इक्वेशन गिवन है, जैसे मैं दोनों इक्वेशंस या इक्वेशन के लेफ्ट और राइट को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, उसी तरीके से मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ। ये भी रूल है, जैसे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएशन अलाउड है, वैसे ही इक्वेशन के दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन भी अलाउड है। तो मैंने क्या कर दी? दोनों साइड की इंटीग्रेशन। अब फ़ायदा क्या हुआ? वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी? एक्स। वन डी वी की क्या होगी? वी। तो इसकी जगह क्या आएगा? वी। बात बन गई ना? ए से वी आ गया। इसको ओपन कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी टी, ठीक। तो वी विल बी इक्वल टू क्या आएगा यहां पे? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, यहां लिख रहा हूं मैं, टू कॉन्स्टेंट है और क्या बचेगा अंदर? वन डी टी। कोई डाउट इसमें? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म अलाउड है। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू इंटू वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? t। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो देखो इस तरीके से मैंने v निकाल दिया, a की हेल्प से मैंने क्या निकाल दिया? v निकाल दिया। तो सही तरीका है ना? तो डिफ्रेंशिएट करके x से v निकाला था, v से x आ गया। कोई डाउट इसमें? ये वो क्या होता है? सिंगल साइड इंटीग्रेट मतलब, जैसे डबल साइड किया मैंने तो
वो तो मैं क्वेश्चन पूछता था, लेफ्ट साइड देता ही था आपको तो क्वेश्चन में, वो तो देता ही राइट साइड था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कभी। पर जब इक्वेशन गिवन होती थी फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट और दोनों तरफ इंटीग्रेट। ठीक है यहाँ तक। अब v आ गया, v के बाद क्या आएगा, x। कैसे आएगा v, क्या होता है बताओ, डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी क्या आ गया, टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू टी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू प्लस टू टी, और पीछे क्या लगेगा, डी टी। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूं फिर से एक बार, अलाउड है? मैंने लेफ्ट की तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दी और मैंने राइट की तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दी। क्लियर है यहाँ तक, अलाउड है? तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इंटीग्रेशन को दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसे ब्रेक करते हैं, इसकी इसको ब्रेक करने पे क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू डी टी प्लस कितना, टू टी डी टी, ये लो। तो ये क्या आएगा, वन डी एक्स, हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। क्लियर है? वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स। टी स्क्वायर की क्या होगी, टी क्यूब बाय थ्री। टी की पावर कितनी है, वन, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू। दिस इज द आंसर, एक्स आ गया। क्या सही तरीका है? ए से एक्स कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो ए से एक्स में क्या करना है, आपने ए लिखा, ए को लिखा डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, वी आ गया। वी को लिखा डी एक्स बाई डी टी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, वन डी एक्स क्या होता है, एक्स। तो इंटीग्रेशन करके एक्स आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, नहीं कर सकते, कोई ऐसी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते जैसे मैं सिखा रहा हूँ, वैसे ही करना पड़ेगा। वी इक्वल यू प्लस एटी नहीं लगा सकते अभी, इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। वो तुमने लगाई हुई है लेकिन तुम्हें लगानी आती नहीं, अब मैं लगा के दिखाऊंगा तुम्हें। अब कैलकुलस के साथ लगानी है ना। तो क्लियर है यहाँ तक? तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नई चीज़ पता लग गई, एक्स से ए कैसे निकलेगा, ए से एक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जैसे इसलिए गूगल वाला आज कर देना, उसके लॉगिन आईडी कल आज से जनरेट होंगे मेरे को लगता है, वो भी बनाएगा लड़का बैठ के। तो वीडियोस के लॉगिन आईडी है अपना, वीडियोस के और टेस्ट के। तो टेस्ट का एक संडे, अब नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट होंगे, तो वो आईडी के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अभी तो हुआ नहीं ना, जब अनाउंस करूँगा तब तो आपको, तो टेस्ट नहीं दे पाओगे, आप खुद ही मुझे कह दोगे सब बना के, तो रह भी गया तो कोई बात नहीं, संडे से पहले पहले करना पड़ेगा, इस संडे से पहले पहले।
ठीक है, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आता है इफ ए इज इक्वल टू बस टी फाइंड एक्स, तो क्या करें, ए को क्या लिखें, डीवी बाय डीटी, तो इज इक्वल टू क्या, टी, तो डीवी इज इक्वल टू कितना, टी डीटी, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये लो, ये मैंने क्या की, इंटीग्रेशन, वन डीवी क्या होता है, वी, इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू, क्लियर है। अब v को क्या लिखेंगे, डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी की इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर बाय टू, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर बाय टू इन टू डी टी, दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन, ये देखो, तो वन डी एक्स क्या होता है, x हाफ बाहर आ गया, तो आंसर क्या आएगा, हाफ इन टू टी क्यूब बाय थ्री आंसर, तो एकदम सही स्टेप है ना, फटाफट ए से देखते हुए कैसे x निकलेगा, स्टेप तो सेम ही है, क्वेश्चन ही चेंज हो रहा है, बस ए चेंज होता रहेगा, x चेंज होता रहेगा, यही मोशन का चैप्टर करता है। मोशन के चैप्टर में क्या करना है, या तो a निकलेगा, x से a निकलेगा, a से x निकलेगा, आधा चैप्टर तो यही करता रहेगा, जिसको कैलकुलस आ गया उसको मोशन समझो आ ही गया, ठीक। पांच मिनट और, नए चैप्टर स्टार्ट होने में 5 मिनट और है, एंड के डाउट्स पेंडिंग थे हमारे। ठीक है, क्लियर है अभी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा काम था वो क्या था, ये क्वेश्चन था, तो कितने लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं ही कर देता हूँ, ये हो गया था, इसका आंसर क्या आया, अच्छा मैंने बोला ही नहीं करने के लिए, ओके, मैं तो बोला ही नहीं था सच, मैंने कहा था कि शायद 8 7 8 तक ही करना, ये तो मैंने मना किए थे, चलो मुझे ऐसा लगा कि शायद दूसरे बैच मैंने बोला होगा, पर चलो मैं करना चाहता हूँ कि गलत गड़बड़ ना हो जाए, तो इसमें लिमिट लगी हुई है, तो इसको ब्रेक करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके -2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके -2, ब्रेक किया सबने, क्लियर है यहाँ तक, ब्रेक हो गया, हाँ कि ना, हाँ संजीत समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय थ्री, अब ब्रैकेट के यहां क्या लगेगा, -1 से लेके -2, क्लियर है, और वन डी एक्स क्या होता है, एक्स कहां से कहां तक, -1 से लेके -2, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, इसकी एक्स -1 से -2 -1 से -2, तो पुट करें x की जगह एक बार अपर लिमिट तो ये आएगा, चेक करो, एक बार लोअर लिमिट तो ये आएगा, चेक करो, ये स्टेप समझ में आया, लिमिट्स वाला, -2 x की जगह -2, एक बार x की जगह -1, दोनों को माइनस, प्लस एक बार x की जगह -2, एक बार x की जगह -1, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब ये मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे इसे, क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा -8/3, ये आएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा, -2 + 1 विल गिव -1, इसे सॉल्व कर लेना, कर लोगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, पर वो मेथड समझ में आया, करना क्या है, लिमिट कैसे पुट करनी है समझ में आ रहा है, लिमिट्स क्लियर हैं, ठीक है, परी ठीक है, ठीक ठीक है, ओके ठीक है,
एक ही बात है। वैसे दो अलग अलग क्वेश्चन बना लेने चाहिए अलग अलग, ये ज़्यादा ये बेटर टेक्निक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक्स ये वी ये भी डी वी, तो इसका इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ, वी स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एक्स डी एक्स की क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय टू, वी डी वी की वी स्क्वायर बाय टू, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके वाई तक। अब वी की जगह एक बार अपर लिमिट, बोलो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय टू, वी की जगह एक बार लोअर लिमिट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। आंसर क्लियर है यहां तक, आंसर ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है ठीक है, दो क्वेश्चंस और, ये क्वेश्चन ट्राई किया, इसमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, आर, तो इसमें वेरिएबल कौन है, आर, आर के अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे यहां डीएक्स होता और यहां एक्स होता, तो आर जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर है तो आर की टर्म वेरिएबल मानी जाती है, बाकी सब, क्योंकि ये तो आर नहीं दिख रहा ना इसमें, तो सब कॉन्स्टेंट्स है। तो अगर ये डीएक्स होता तो एक्स वेरिएबल था, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ ये टर्म है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, बोलो क्या कॉमन आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू वन बाई आर स्क्वेयर डी आर, कहां से कहां तक, आर वन से आर टू। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है, सिर्फ आर वाली टर्म्स को अंदर रखेंगे बाकी टर्म्स बाहर रखेंगे, कोई डाउट? नेक्स्ट, ओ हाँ, ये इस कांस्टेंट को बोलते हैं वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ई पी एस आई एल ओ एन, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, और जीरो को बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस टू का सिंबल है, आपको कुछ करना नहीं है, एज इट इज कांस्टेंट है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं आर रेज टू पावर माइनस 2dr, कहां से कहां तक, r1 से लेके r2 तक, 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 r की पावर माइनस 1 by माइनस 1, कहां से कहां तक, r1 से लेके r2 तक, है ना, इंटीग्रेशन कर दी, r की पावर 1 प्लस, तो माइनस 1 by माइनस 1, माइनस को एक काम करो बाहर ले आओ, माइनस साइन बाहर ले आते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, 1 बाई आर, कहाँ से कहाँ तक, आर वन से लेके आर टू तक, ये माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो माइनस बाहर लगा दिया, कोई फर्क नहीं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आखिरी स्टेप पता ही आपको, क्या करें, लिमिट पुट कर देते हैं, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, एक बार आर की जगह अपर लिमिट, एक बार आर की जगह लोअर लिमिट, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, फाइनल आंसर कैसे दिखेगा आपको, एक बार आर की जगह आर टू, एक बार आर की जगह आर वन, दोनों को माइनस। ये तो बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा, ये तो बस डराने के लिए रखा हुआ है ताकि लोग सोचें पता नहीं क्या है, तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो। तो इसकी इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस टू की, आर की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई में है तो माइनस वन को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, वन बाई आर, आर टू से आर वन, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक, ठीक है, ठीक।
ठीक है आएगा माइनस, हाँ माइनस भी आएगा, सॉरी भाई माइनस भी आएगा, माइनस रह गया मुझसे, माइनस आएगा ठीक है ओके। और लास्ट क्वेश्चन, इसकी इंटीग्रेशन आपको निकालनी है, ये रहा। तो इसकी इंटीग्रेशन में देखो, ब्रेक करो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लाई कर लिया इसे, अब क्या रूल सिखाया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल लो इसे, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यूब कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो एक्स डी एक्स, ये लो। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय थ्री, कहां से कहां तक, वन से टू तक। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, वन से टू तक। यहां तक क्लियर है, पी और क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एक्स की पावर तो वन है ना, तो एक्स स्क्वायर बाय टू, क्लियर है। तो आखिरी स्टेप इसमें क्या होगा, आखिरी स्टेप इसमें होगा, क्या किया पता नहीं, क्या किया मैंने, क्या है यार, फिर से कर देते हैं, करो सॉल्व, आप अपना आंसर निकालो प्लीज। तो इसमें मैं फटाफट कर देता हूं, तो मैंने ये कहा वन से टू पी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्यू कांस्टेंट है एक्स डी एक्स, वन से टू पी एक्स क्यूब बाई थ्री, वन से टू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, वन से टू, क्या है पॉइंट, क्लियर है। तो अब एक बार क्या करें, एक्स की जगह अपर लिमिट, तो क्या आएगा टू क्यूब बाई थ्री, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा वन क्यूब बाय थ्री, क्यू एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, तो टू स्क्वायर बाय टू, एक बार लोअर लिमिट वन का स्क्वायर बाय टू, कोई डाउट इसमें, सॉल्व कर लोगे इसे आगे, जो कर ही लोगे ना, एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, फोर बाई टू, वन बाई टू, क्लियर है, समझ में आ रहा है लिमिट्स कैसे पुट करनी है, आंसर को छोड़ो लिमिट्स पुट करनी आ गई, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसी के साथ हमारी इंटीग्रेशन क्या होती है, खत्म, बोलो। कैसे, देने वाले की मर्जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन में यही देखा जाता है कि नीचे छोटी होगी ऊपर बड़ी होगी, जो है वैसे पुट करनी है, ठीक है यहां तक। तो इसी के साथ हमारी इंटीग्रेशन खत्म। तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये लगाएं, कई टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कैलकुलस पहले नहीं करवाते, वो चैप्टर एरर्स करवाते हैं, जो मैं अभी करवाने वाला हूं। आपको शीट्स मिल गई, सबको शीट्स मिल गई आपको, ठीक है। तो कई लोग, मैं क्या बता रहा था, जो चैप्टर करवाते हैं वो कैलकुलस नहीं करवाते,